तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ सोनापुर पे। ये देखिए पीछे में सोनापुर गेट। खुद एक नमूना हूँ बंदे ना। हाँ और कुछ? कुछ नहीं यार। ये इसको इसका सुबह शाम दिन रात बस यही काम है रूम पे बैठ के। हाँ तो अभी हम करने जा रहे हैं हमारा ब्रश और कोलगेट का अनबॉक्सिंग। यहाँ था ये निकल गया हमारा ब्रश। देखिए यहाँ पर भगवान का मूर्ति चारों तरफ शायद विसर्जन करने के लिए लाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये नीचे से और यहाँ पे पूरा पानी। कोलगेट का बेजिंग के साथ यहाँ पर 10 rupees ओनली विथ स्ट्रॉन्ग टीथ। और अभी हम देखते हैं अंदर में खोल के क्या होता है, क्या मिलता है। ये देखिए छुटकू सा कोलगेट। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सबको आज के इस नई ब्लॉग पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं हूँ अभी यहीं घर पे छत पे और पूरा रेडी होके बैठा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज गुवाहाटी 2-3 दिन के लिए क्योंकि वहाँ पर कुछ काम है मेरा। तो अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में यहाँ से। आज जा रहा हूँ सोनापुर, सोनापुर पर बैठूँगा वहाँ भाई का रूम पर और वहीं से अपना काम वाम पूरा करके फिर आऊँगा नेक्स्ट वीक वापस। तो इसीलिए अभी थोड़ा और आधा घंटा बाद यहाँ से निकलूँगा, कुछ काम है यहाँ पे भी वो सब काम वाम करके तो यहाँ से निकलना है मुझे। तो बने रहिए आप लोग आज की इस ब्लॉग पे। तो चलते हैं हम गुवाहाटी। रुको जरा, सबर करो। तो अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां बड़ा पानी पे। टैक्सी में आया था यहां तक और अभी यहां से सुमो पकड़ के जाऊंगा मैं जोरावर तक। फिर वहां पे मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो मुझे लेने आ रहा है जोरावर तक। फिर वहां से भाई के साथ जाऊंगा मैं डायरेक्ट सोनापुर उसका रूम पे। तो यहां मौसम भी थोड़ा बारिश होने का जैसा हो रहा है तो फटाफट चलते हैं हम पकड़ते हैं सोमो। कौन सा खाली है? फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं यहां पर जोराबाट का। देखिए पीछे में जोराबाट का ओवर ब्रिज। और अभी दोस्त को फ़ोन करूंगा, दोस्त मतलब भाई को, वो भी यहीं पे है बोल रहा था मुझे। तो अभी उसको फ़ोन करूंगा और उसके साथ जाऊंगा मैं सोनापुर। तो पहले उसको कॉल कर लेता हूं। फाइनली ये भी आ गया यहां पर मुझे लेने के लिए बंदर। माथीवाड़ी है ना पीछे का सीन देखिए, पीछे का अच्छा है, शानदार। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ सोनापुर पे। ये देखिए पीछे में सोनापुर गेट। और यहाँ पर ये बंधु टूरिस्ट गाइड दाजू शिलोंग का दाजू पार्टी बस्ता बुकने वाला मेरा बिग बुक के जा रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इसके रूम के तरफ यहाँ। ये देखिए यहाँ का व्यू, ये आगे का रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम रूम के तरफ। और ये साइड पे हाईवे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रूम पे और यहाँ वीडियो कॉल पे एक बंदर। ये देखिए इसको, ये गांव से वीडियो कॉल कर रहा है। और ये दूसरा बंदर को देखिए यहाँ पे आने का साथ साथ। और मैं खुद और कुछ कहना चाहते हो यहाँ यहाँ बनना था सो वीडियो में के बनना चाहस बंधु? हाँ और कुछ? कुछ नहीं यार। बोलिए आवलास। ये बंदर भी कल आएगा और कल भी इसका कह रहे बैंड बजाएंगे। हो कल के केटीले फोन करी कॉल रहा कर। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ रूम पे ऐसे ही, अभी एक बज रहा है। और यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैगी बनाने के लिए, लेकिन मैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसको इसका सुबह शाम दिन रात बस यही काम है रूम पे बैठ के।
कुछ काम वाम करता नहीं है। अभी मैगी बनाने बोल रहा हूँ तो मैगी भी नहीं बना रहा है, बस कब से गेम ही खेलते जा रहा है ये। ऐसे देखो ना, देखिए इसका इसका थोपड़ा, देखिए थोपड़ा। मैगी बनाओ, बनाना यार। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 4:30 और दिन भर रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार। दरवाजे पे कुंडी मार के बाजार घूम के आएंगे, थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। मैं ब्रश भी लाना भूल गया, तो ब्रश भी लेके आना है। तो दिन भर तो कुछ ज़्यादा ही धूप था, निकल ही नहीं सकते यहाँ से, इतना ज़्यादा धूप होता है यहाँ पे। तो दिन भर हम लोगों ने रेस्ट किया रूम पे। अभी शाम का टाइम, मौसम भी थोड़ा सुहाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ। और यहाँ पर और एक दोस्त का रूम है, तो वो भी जाएगा बोला हम लोग के साथ, तो उसका अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये पीछे साइड में ये वाला गेट, और मैं हूँ यहाँ रास्ता पे। और देखिए यहाँ का व्यू, अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है अब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मेन हाईवे पे, गली का रास्ता घूमते घूमते दो बंदर के साथ। और ये बोर्ड पे 300 रुपया। अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ। बाजार घूमने के बाद, बाजार में मोमो मोमो खाने के बाद हम लोग आए यहाँ पर, थोड़ा बाजार से दूर ये ओवर ब्रिज के यहाँ पे घूमने के लिए। काचा बादाम नाचा रहता फर गहरा। देखिए यहाँ का शानदार व्यू। ऐसी जीत चाहिए जिंदगी है। ये देखिए यहाँ पीछे में गंदा नाला का पानी, इतना ज़्यादा गंदा है यहाँ पे। गर्मी के कारण पूरा पसीना पसीना, घर से निकलते टाइम तो इतना गोरा था, अभी तो पूरा काला हो गया मैं। यहाँ का पानी शायद ये मूर्ति विसर्जन करने का जगह है ना क्या शायद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए भगवान का मूर्ति वो सब रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भगवान का मूर्ति चारों तरफ शायद विसर्जन करने के लिए लाते हैं, यहाँ पे सब साइड में रखा हुआ है। और ये दो जन ये फ़ोन पे बिजी, वो फ़ोटो खींचने पे बिजी। और ये यहाँ ऊपर साइड का व्यू, ये ब्रिज का व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे। ये देखिए ये नीचे से, और यहाँ पे पूरा पानी। अभी हम लोग जाएंगे बाजार की तरफ। अभी भी बाजार से आए, मोमो मोमो खा के आए थे वहाँ से, वहाँ पे लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी थोड़ा सब्जी वो सब लेके जाएंगे रूम के तरफ बाजार से, थोड़ा कुछ कुछ सामान भी लेना है। देखिए यहाँ के साइड पे यहाँ का सोनापुर मार्केट। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। यो ज़्यादा ही गर्मी होने के कारण यहाँ पर क्यों हो बे मैंगो सेक जो भी हो, जो भी है बहुत ही टेस्टी है। गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था इसीलिए पानी नहीं मिला, इसलिए हम लोग खा रहे हैं ये, पता नहीं क्या है। पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मैं इसको बोला सोनापुर में पानी मिलता नहीं है, यहाँ पे बोला ठंडा पानी लेने के लिए, लेकिन ये आरामी दुकान पे गया ही नहीं इसलिए हमें ये पीना पड़ रहा है। यहाँ पर रात का टाइम पे बाजार से सब सामान वामान लेके रूम के तरफ जाते हुए, इतना अंधेरा है कि मेरा फेस नहीं दिख रहा है, और इसलिए मैं ये दोस्त का फ़ोन से फ्लैश लाइट जला के ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा चेहरा दिखे, क्योंकि पूरा अंधेरा है अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये देखिए कुछ ऐसा व्यू आएगा, इसीलिए मैं फ़ोन का फ्लैश लाइट दे के वीडियो बना रहा हूँ। और इसको देखिए यहाँ पर सब्जी बुक के अभी जा रहे हैं हम लोग रूम के तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पे, सामान वामान लेके, मैं ब्रश भी लाना भूल गया था तो वो भी ले लिया।
और अभी बनाएंगे खाना और खा के सो जाएंगे। और ये मेरा ब्रश और कोलगेट। हाँ, तो अभी हम करने जा रहे हैं हमारा ब्रश और कोलगेट का अनबॉक्सिंग। यहाँ था ये निकल गया हमारा ब्रश और अभी हम करेंगे ये कोलगेट का अनबॉक्सिंग। गलत साइड से खोल दिया, इस साइड से खोलना है। शानदार रैपिंग के साथ शानदार बॉक्स देखने में बहुत ही लाजवाब कोलगेट का बेजिंग के साथ। यहाँ पर 10 rupees ओनली विथ स्ट्रॉन्ग टीथ। और अभी हम देखते हैं अंदर में खोल के क्या होता है, क्या मिलता है। ये देखिए छुटकू सा कोलगेट, देखने में बहुत ही प्यारा शानदार। ये देखिए कोलगेट के बेजिंग के साथ यहाँ पे देखिए बाकी सब लिखा हुआ है, जो कवर में लिखा है वही लिखा हुआ है रेड ढक्कन में। ये देखिए सुंदर सा प्यारा सा छुटका सा कोलगेट और ये थोड़ा बड़ा सा ब्रश अभी अभी हम जो मार्केट से लेके आए। तो हो गया ये दोनों का अनबॉक्सिंग। थैंक यू। तो अभी बाजार से आने के बाद मैं बैठा हूँ रूम पे, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और भाई खाना वो सब बना रहा है। तो अभी वीडियो एडिटिंग करके खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।